हेलो गाइस, हमारे चैनल हिंदी 24 में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइब्रेरियन का पेपर, जो कि पिछले जो पेपर हुआ था उसका मॉडल पेपर। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएं। इससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदी 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक करें रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर, और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करना न भूलें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच कर आप उसका फ़ायदा उठा सकें। आपको बता दी कि इसमें टोटल क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन है। इसके हम तीन वीडियो अलग अलग पार्ट में बनाएंगे, प्रत्येक पार्ट में 50 क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे। तो आप पूरा पेपर देखने के लिए हमारे सभी वीडियोस को देखें। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, सूचना फिजिकल प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली है और यह एक ऐसा दृश्य लिंक है जो कि समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए है। इस कथन को निम्न में से किसने उद्धृत किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीन नंबर ऑप्शन, विलियम ई हलाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो, रंगनाथन ने बनारस में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन में एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम निम्न में से किस वर्ष प्रस्तुत किया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दो नंबर ऑप्शन, 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन, राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय, राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय और राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय को यह जहां स्थित है उनके निम्न में से सही क्रम को चुने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीन नंबर ऑप्शन, झालावाड़, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर। राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला मुख्यालय झालावाड़ में, राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जोधपुर में, राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय उदयपुर में और राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चार, देश की पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक पुस्तकालयों में अपने अनुसंधान करने में व्यस्त वैज्ञानिक के समय को बचाने के लिए रिप्रोग्राफी सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है चार नंबर ऑप्शन, छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पांच, किस आयोग ने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है, उसे प्रोफेसर की तरह रैंक स्केल पद तथा सेवा दी जानी चाहिए? यह क्वेश्चन पेपर में डिलीट किया गया है, इसका उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छः, INV का अभिप्राय है? इसका सही आंसर है तीन नंबर ऑप्शन, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सात, 1900 में बगीचा पुस्तकालय अर्थात गार्डन लाइब्रेरी जयपुर को निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दो नंबर ऑप्शन, राय बहादुर ईशान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आठ, उस लाइब्रेरियन का नाम बताइए जो कि निःशुल्क रूप से पुस्तकों को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दस्ती पुस्तक सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध थे और इस कार्य के लिए पुस्तकों का इंतजाम अपने निजी संसाधनों से हासिल करते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है तीन नंबर ऑप्शन, मास्टर मोतीलाल सिंघवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नौ, पुस्तकालय विज्ञान के पांचवें पंचसूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वृद्धनशील खाली स्थान है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है एक नंबर ऑप्शन, ऑर्गेनिज्म अर्थात जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दस, भारतीय पुस्तकालय संघ अर्थात IALA द्वारा जारी ILA बुलेटिन, जिसका प्रकाशन जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है, की आवृत्ति निर्दिष्ट कीजिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दो नंबर ऑप्शन, त्रैमासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथाना एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन खालिस्तान है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है चार नंबर ऑप्शन, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम विधेयक राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, 2006 में। नेक्स्ट, पुस्तकालय उपकर किस से संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, सार्वजनिक पुस्तकालय से। नेक्स्ट, पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, पुस्तकालय शासन अर्थात लाइब्रेरी गवर्नेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, 7। राजस्थान में वर्तमान में 7 सार्वजनिक राजकीय मंडल पुस्तकालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन संचालित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सन 1972 में यूनेस्को द्वारा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत सूचना पुनर्प्राप्ति योजना के परीक्षण बाबत निम्न में से कौन सा परीक्षण किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, सामाजिक और मानव विज्ञान के लिए डेटा रिट्रीवल प्रणाली अर्थात DARE। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र अंतिम बार किस वर्ष में संशोधित किया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन अर्थात इफ्ला की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, 30 सितंबर 1927 को। नेक्स्ट, एक ऐसा कार्यविधि जिससे विभिन्न पुस्तकालयों में कार्यों को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है को किस विधा के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, संसाधन साझा के नाम से। नेक्स्ट, दशमलव वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण की आंखें से प्रकाशित हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग बुक्स एंड पैम्फलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, दशमलव वर्गीकरण पद्धति का वह कौन सा संस्करण जिसकी आख्या में डीवी का नाम नहीं था अपितु उसे मुख्य पृष्ठ के पीछे लिखा गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, प्रथम संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के प्रथम संस्करण में कुल कितने पृष्ठ थे बताइए? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, 44 पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति निम्न में से किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन भी इस पेपर में डिलीट किया गया है, तो इसका जो भी आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति में द्विबिंदु निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, नवीन शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द लिटरेरी वारंट को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, ई विद्यमान हालमे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलॉग शब्द निम्न में से किस ग्रीक अभिव्यक्ति के संयोजन से प्राप्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, काटा प्लस लोगों से कैटलॉग शब्द प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलॉग जब दो या अधिक पुस्तकालयों के संग्रह के प्रतिनिधित्व करते हैं तो उसे निम्न में से क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, संघ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, वर्गीकृत सूची संहिता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, भारत की प्रथम वर्गीकृत सूची संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, रेमिफिकेशन का तात्पर्य है।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, विषय का विभाजन। विषय का विभाजन एवं उपविभाजन रेमिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से उस चिन्ह को चुनिए जिसका प्रयोग द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति एवं दशमलव वर्गीकरण पद्धति में होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, डॉट चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 32, वर्गीकरण करने की गतिविधियों के 0 से 4 चरणों को कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, वैचारिक धरातल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33, एवरेज दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नवीनतम संस्करण को बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, 15वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नवीनतम संस्करण को बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, 23वां संस्करण। नेक्स्ट, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 20वें संस्करण की प्रमुख उपलब्धियां हैं। इसका 1993 में सीडी रोम जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जिसका नाम था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में कुल कितने खंड हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, 4 खंड। नेक्स्ट, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का नाम निम्न में से क्या नाम था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, डीवी फॉर विंडो अर्थात DFW। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनिक्स अनुसूची निम्न में से किसका अंग है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, दशमलव वर्गीकरण पद्धति अर्थात DDC का। नेक्स्ट, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 AACR 2 के मुताबिक मुख्य प्रविष्टि बनाने के दौरान प्रत्येक क्षेत्र पहले क्षेत्र के अलावा की शुरुआत तथा नया अनुच्छेद शुरू करने से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह संयोजन का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, पूर्ण विराम स्पेस डैश स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2 के मुताबिक 2 RCAA यदि सूचना निर्धारित स्रोत के अलावा बाहर से ली जाती है तो उनको निम्न में से किस कोष्टक में बंद किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, बड़ा कोष्टक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिग्रहण क्रमांक का अर्थ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त किए जाने वाला यूनिक संख्या परिग्रहण क्रमांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निधानी सूची का मुख्य उपयोग है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, भौतिक सत्यापन। निधानी सूची का उपयोग भौतिक सत्यापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिग्रहण पंजिका की मानक आकार क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, 16 इंच और 13 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय सूची पत्रक विशेष रूप से निम्न दराजों अर्थात ड्राइव्स में रखे जाते हैं, उनको निम्न में से क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 नंबर ऑप्शन, सूची कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45, पुस्तकालय द्वारा क्रय की पुस्तकों का भुगतान निम्न में से किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है। इसका सही आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, परिग्रहण के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46, तकनीकी प्रभाग द्वारा मुख्यतः दो कार्य संपादित किए जाते हैं जिनमें वर्गीकरण तथा, इसका सही आंसर है 1 नंबर ऑप्शन, सूचीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, उपयोगिता अर्थात पाठक द्वारा पुस्तक लौटाने पर उसे पुस्तक जमा कर कार्ड्स लौटा दिए जाते हैं, इस प्रक्रिया को निम्न में क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, आगम अर्थात डिस्चार्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48,
पुस्तकालय के प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को निम्न में से किस में रखा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 नंबर ऑप्शन, संपत्ति काउंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। पाठकों द्वारा अलमारियों में किताबों को गलत निधानी में रख दिया जाता है, उसे पुनः उसी निधानी में रखने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, निधानी परिशोधन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। पुरानी, अनुपयोगी एवं शायद ही कभी भी इस्तेमाल नहीं की गई पुस्तकों के प्रत्याहरण की प्रक्रिया को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन, छंटनी अर्थात वीडिंग। तो ये था हमारा लाइब्रेरियन का जो पहले पेपर हुआ था उसका मॉडल पेपर। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आए हुए हैं और नेगेटिव मार्किंग हुई थी। इस पेपर को हम 3 पार्टों में अपनी वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे, तो आप पूरा पेपर देखने के लिए हमारे वीडियो लगातार देखते रहें। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और हमारे किसी भी क्वेश्चन में आपको संशय हो तो कमेंट ज़रूर दें। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर करें जिससे हमारे सभी व्यूअर्स इसका लाभ उठा सकें। अगर आप पेपर को सीधे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।